हेलो इटो फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो अब तक आप लोगों को पता चल ही चुका होगा कि आप इंस्टाग्राम को भी मोनेटाइज कर सकते हैं, यानी जैसे कि अब तक आप यूट्यूब को मोनेटाइज करके बहुत सारे पैसे अर्न करते थे, डॉलर क्रिएट करते थे, अब उसी तरह आप इंस्टाग्राम रील्स पर एड चलाकर अर्निंग कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको इंस्टाग्राम के मोनेटाइजेशन के लिए कैसे अप्लाई करना है और आपके अकाउंट पर कितने मिनिमम फॉलोअर होने चाहिए, और इसी के साथ बैंक अकाउंट कहाँ ऐड करना है, इस बारे के बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको अपने इंस्टाग्राम को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने होम पेज पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, फिर आपको प्रोफाइल आइकन पे क्लिक कर देना है। प्रोफाइल आइकन पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली थ्री लाइंस पर क्लिक करना है। थ्री लाइंस पर क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग के ऑप्शन पर टैप कर देना है। सेटिंग्स के ऑप्शन पर टैप करने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन होगा, यहाँ पर आपको एक क्रिएटर का एक ऑप्शन दिखाई देगा, आपको सिंपली क्रिएटर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और जिन लोगों के इंस्टाग्राम में क्रिएटर का ऑप्शन नहीं दिख रहा, मैं उसको भी आपको इस वीडियो में सोल्यूशन बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से क्रिएटर के ऑप्शन को पा सकते हैं। सबसे नीचे दो ऑप्शन दिखाई देंगे, मिनिमम एज का और मोनेटाइजेशन स्टेटस का। तो आपको यहाँ पर यहाँ ध्यान देना कि आपकी मिनिमम एज है वो 18 प्लस होनी चाहिए। तो फिर आपको सिंपली मोनेटाइजेशन स्टेटस पर क्लिक कर देना। मोनेटाइजेशन स्टेटस पर क्लिक करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट जो है एलिजिबल है मोनेटाइजेशन के लिए या नहीं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है वो एलिजिबल है मोनेटाइजेशन के लिए। और यहाँ पर मैं आपको मिनिमम फॉलोअर बता देता हूँ कि आपके अकाउंट में कम से कम कितने फॉलोअर होने चाहिए जिससे आपका इंस्टाग्राम जो है मोनेटाइजेशन हो जाए। तो आपको यहाँ पर कम से कम आपके अकाउंट में 100 फॉलोअर होने चाहिए इंस्टाग्राम को मोनेटाइजेशन करने के लिए। और अब बात कर लेते हैं कि आपको कैसे अप्लाई करना है मोनेटाइजेशन के लिए। तो आपको यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये इंस्टाग्राम का फीचर अभी पूरी तरह से इंडिया में रोल आउट नहीं हुआ है। इसके बाद और यहाँ पर मोनेटाइजेशन के लिए आपको कोई भी अप्लाई नहीं करना होगा, इंस्टाग्राम आपके अकाउंट को खुद ही मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर देगा। और बात कर लेते हैं बैंक अकाउंट ऐड करने की। तो कुछ लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन है, यहाँ पर आपको सबसे ऊपर एक ऑप्शन दिखाई देगा होगा ऐड पेमेंट्स का। तो यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि यहाँ पर आपको यहाँ पर बैंक ऐड करना है, तो ऐसा आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपको पेमेंट उसके लिए ऐड करना है कि आप अपनी रील्स को और ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए आप अपना ऐड चलाना चाहते हैं, तो ये वो वाला पेमेंट, इसलिए इस कन्फ्यूजन में ना पड़े। तो अब बात कर लेते हैं जिन लोगों के में क्रिएटर का ऑप्शन नहीं दिख रहा है उनको कैसे करना है। आपको सिंपली फिर अकाउंट के ऑप्शन पर टैप कर देना है। अकाउंट के ऑप्शन पर टैप करने के बाद आप यहाँ पर सबसे नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा, ऐड अ न्यू प्रोफेशनल अकाउंट। आपको सिंपली इस पर टैप करना है। आपको अपने अकाउंट को प्रोफेशनल अकाउंट में चेंज कर लेना है, जिसके बाद आप क्रिएटर का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको सिंपली आपको जो भी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है वो सिलेक्ट करने के बाद आपको मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के बाद आपका अकाउंट जो है कि प्रोफेशनल अकाउंट में चेंज हो जाएगा। मैं यहाँ पर ऑलरेडी अपने अकाउंट को प्रोफेशनल अकाउंट में चेंज कर चुका हूँ, तो मुझे क्रिएटर का ऑप्शन मिल गया है। तो उम्मीद है आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। इसी तरह अपडेट से बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।